जहां चुनाव है वहां दलित इम्पोर्टेंट है, सच है कड़वा है, लेकिन सच तो सच है। हरियाणा में बीजेपी को कांग्रेस की कुमारी शैलजा की काफी फिक्र हो रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस में बड़ी दलित नेत्री है। बीते कुछ दिनों से शैलजा को लेकर सियासत का बाजार भरपूर गर्म है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर हुड्डा परिवार के आगे कांग्रेस हाईकमान ने शैलजा को निराश करके भेजा है। अब बीजेपी इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहती है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के बयान के बाद तो कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी के बयानों की और भी कई विपक्षी दलों की मानो एक फेरिस्त सी लग गई। गरमाई सियासत में मनोहर लाल ने चालाकी भरे चाल चलते हुए कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया है। एक कार्यक्रम में कहा, बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है, हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। बीजेपी के न्योते की खबर आग की तरह फैल गई, तो जब मीडिया मनोहर लाल की तरफ लपका तो उन्होंने अपनी चाल बदल दी। सवालों का जवाब देते हुए कहा, कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, उन्हें रणनीतिक ही रहने दें। बड़ा धमाका करने जा रहे हैं आप। देखिए कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया, जनता को बताने की जरूरत है, ठीक है। सभी जानते हैं कि रणनीति एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो क्या बीजेपी वाकई में अंदरखाने हरियाणा कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है? क्या कुमारी शैलजा वाकई में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के धार्मिक राष्ट्रवाद को गले लगाना चाहती हैं? कम से कम शैलजा खेमे की तरफ से आ रहे संकेत तो यही बता रहे हैं, पर बीजेपी कुमारी शैलजा को अपने हरियाणा खेमे में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों शामिल करना चाहती है? इस सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त हरियाणा बीजेपी के पास कोई भी बड़ा दलित मजबूत चेहरा नहीं है। सीट शेयरिंग के बाद कुमारी शैलजा का दूसरा अपमान का मामला क्या है, ये भी जान लीजिए। सत्ता पक्ष सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर ये सवाल पूछ रहा है कि सारा दिन राहुल गांधी जातियों की बात करते हैं। हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो लॉन्च करते समय हरियाणा की सबसे बड़ी दलित नेत्री कुमारी शैलजा को आखिर मंच क्यों नहीं दिया? मंच पर 9 नेताओं में से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे तो कांग्रेस की मजबूरी है, सत्ता पक्ष पूछ रहा है। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी लीडर्स उस मंच पर ढूंढिए। खैर, बहती गंगा में हरियाणा में विपक्षी ब्लॉक इंडिया का हिस्सा न बनी राजनीतिक पार्टियां भी कुमारी शैलजा के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरने का काम कर रही हैं। हरियाणा की बहुत बड़ी दलित नेता है, हम उनका पूरा पूरा आदर सम्मान करते हैं। जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उनके लिए आप शब्द इस्तेमाल किए गए, हमने पहले भी कहा था कि वो इतनी बड़ी नेता, इतना अपना पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को समर्पित करी है। हमें बड़ा दुख होता है देख के, ये सुन के कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ गालियां, जाति टिप्पणियां करी। अगर कांग्रेस इसी नीतियों पे चलती रही तो जल्द ही उसे पूरे देश से खत्म होना पड़ जाएगा। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं। इस ऐसी खराब समय में हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको खुलेआम यहाँ पे बड़ा ही नहीं है भाई। एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए और समाज सब देख रहा है, ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है, जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय। मनोहर लाल को उतारने के बाद एक गहरी बीजेपी रणनीति के तहत हरियाणा की कुर्सी पर विराजमान हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कुमारी शैलजा के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरने का काम किया। कहा कि कांग्रेस ने दलित नेत्री कुमारी शैलजा का अपमान किया है, कांग्रेस दलित विरोधी है,
ये बात भी गौर करने वाली है कि कुमारी शैलजा इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार प्रसार से काफी दूरी बनाती नजर आ रही है। क्या इसका कारण उनका अपमान है या हुड्डा परिवार का हरियाणा कांग्रेस में अति वर्चस्व है? कुमारी शैलजा के सोशल मीडिया पर भी कोई खासी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। लग रहा है कि बीजेपी की चाल काम कर गई है। शैलजा के दलित समर्थक भी हरियाणा में कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस ने इन सभी बातों का खंडन किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा हमारी बहन है, पार्टी की सम्मानित नेत्री है। देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ही है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो आप, हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है ना, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये तो मैनिपुलेट लगता है। शैलजा हमारी जनरल सेक्रेटरी है, स्टेट की इंचार्ज है, माननीय नेता है हमारी, बहन हमारी। हमारे देश में 21वीं सदी में भी दलितों का मुद्दा अति संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी को हरियाणा की कांग्रेस दलित नेत्री कुमारी शैलजा का अपमान रह कर खटक रहा है, क्योंकि वहां चुनाव है लेकिन बीजेपी को बिहार में 80 महादलितों के जले हुए घर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां एनडीए की सरकार है। ऐसा क्यों है? क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनाव को जीतने के लिए बनाए गए उनके मूल्य उनके लिए सर्वोपरि हो गए हैं? सोचिएगा जरूर। अंत में यही, बिहार के प्रताड़ित 80 महादलित परिवार आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संवेदना का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।